ये जो राइस मिल देख रहे हो, जब इस ऐसे राइस मिल को जब कोई नए नए चलाते हैं तो वो सभी को अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है, जब ठीक से धान कुटाई नहीं हो पाता है। जब नए नए समय तो ठीक से ऑपरेट भी नहीं होता है, एक तो मशीन ठीक से सेट भी नहीं हो रहता है, इस वजह से जो धान कुटाई ठीक से नहीं हो पाता है। उसी के बारे में आज इसमें कुछ जानकारी साझा करूंगा। पहले इसको ये जो ऊपर ऊपर है ये बड़े वाले, उसको पहले खोल लेते हैं, उसके बाद आसान होगा समझाने में। ये बोल्ट लगा हुआ है, चार बोल्ट लगा हुआ था, निकाल दिए। अब इसको होपर को खोल देते हैं। अब इसको समझते हैं, जैसे इसको भी खोल लेते हैं। बस इसको दो ऐसे दो बोल्ट से बस खुल गया ऐसे। ये ऐसे है इसका नज़ारा, देख सकते हो। पहले इसमें आपको समझना है कि कुटाई करता कैसे है, उसके बाद इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इस जगह पर धान गिर गया, गिरता है इस जगह पर, तो ये वाला जो टेढ़ा देख रहे हैं, ये वाला इधर ऐसे घूम के इधर लाता है चावल, धान को लाता है और इधर कुटाई होता है। तो ये वाला देख रहे, ये वाला अगर ये वाला ख़त्म हो गया, घिस गया, तो भी कुटाई नहीं होगा। ये केवल ये होलर दिख रहा है, ये केवल घूमेगा, कुटाई होगा नहीं। ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। और जो ये देख रहे हो जाली बेल्ट, ये जैसे जैसे मैंने इतना में सेट किए हैं इसको, तो इसको जैसे ये वाला इसको टाइट करना नहीं पड़ता है हमको। अगर ये वाला थोड़ा सा हल्का सा फैल इधर फैल कर देते तो इसको हमको थोड़ा सा टाइट करना पड़ता। ये वाला देख रहे हो, यहाँ टाइट करने वाला यहाँ दिया गया है, ये वाला इसको टाइट कर देते। इसमें ये होता है कि जब इधर जब धान पार होने लगेगा चावल के साथ, तो इसको थोड़ा सा टाइट कर दोगे इसको, इसको टाइट कर दोगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। ये टाइट हो जाएगा तो यहाँ जो धान रहेगा वो कुछ समय के लिए ठहरे रहेगा और घूमते रहेगा, तो सारा धान कुटाई हो जाता है। अगर ये टाइट नहीं रहेगा और ये ब्लेड थोड़ा फैल रहेगा, तो जैसे यहाँ से धान आएगा वो निकल जाएगा बिना कुटाए हुए। तो यहीं का खेला है। ये जो जाली ब्लेड है, अगर ये ज़्यादा अगर ज़्यादा समीप रहेगा, होलर का ज़्यादा समीप रहेगा, तो जो चावल है उसको तोड़ देगा, ये सारा चावल टूटने लगेगा। इसको ज़्यादा सामने भी नहीं रखना है। और ज़्यादा फैल भी अगर हो गया तो जो मोटर में बहुत लोड पड़ता है, इसमें माल बहुत रहता हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान देना होता है। जैसे इसको अगर फैल कर दिया, फैल करके अगर कुटाई करोगे, फैल करके कुटाई करना है तो इसको थोड़ा सा टाइट टाइट करना होगा ऐसे। इसको ये वाला दिख रहा है, ये वाला को टाइट करना होगा। ये जो बोल्ट है, ये दोनों साइड का
सेम ऐसे आपको देखकर टाइट करना होगा, इसको लूज करना होगा स्पैनर से। ये चार बोल्ट लूज करके ऐसे साइज देख के ऐसे गैप, ज़्यादा गैप रहेगा तो इसमें धान ज़्यादा आएगा, अगर ज़्यादा आएगा ये टाइट नहीं रहेगा तो बिना कुटाए हुए निकल जाएगा। इसलिए इसको वही समझना होगा कि कुटाई कैसे करता है। यहाँ जैसे ये तो ये जो टेढ़े वाला ये तो इधर धान इधर भेजने वाला है और ये कुटाई करने वाला है। यही अगर समझ में आ गया तो आप इसको किसी भी तरह से धान कुटाई कर ही लोगे। अगर जैसे चावल के साथ जो भूसा निकलता है वो यहाँ गिरता है, यहाँ एक पंखा लगा हुआ है, ये पंखा दिख रहे हो, ये पंखा, अगर चावल के साथ भूसा निकल रहा है तो ये पंखा को ऐसे खोल दो तो ये पंखा इधर से हवा मारेगा तो इधर से भूसा निकलेगा, चावल तो इधर से निकलेगा। अगर भूसा नहीं निकल रहा है चावल के साथ तो इसको फुल बंद कर दो तो फिर वो इधर से बंद हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब भी चावल के साथ धान निकल जाता है वो धान को यानी वो चावल को फिर से दोबारा के लिए कुटाई के लिए डाल देते हैं बहुत से लोग, तो ऐसे में क्या होता है कि जो होता है जो चावल होता है वो ये जाली देख रहे हैं, जाली स्टोव में घर्षण करता है, होलर में घर्षण करता है, उसके बाद उसका कलर एकदम ब्लैक हो जाता है। इसलिए दोबारा आप अगर कुटाई के लिए डाल रहे हो चावल को तो जो भूसा होता है या उसमें धान वगैरह मिक्स करके डालने से फिर वो कुटाई हो जाएगा। अगर केवल चावल केवल अगर डाल के कुटाई करोगे तो चावल ख़राब हो जाता है, यानी कलर ऐसे कलर हो जाता है चावल ब्लैक कलर, और उसका गंध बहुत ही ख़राब हो जाता है। बस यही आपको अगर धान कुटाई करना है तो इसको समझना होगा। अगर ये समझ में आ गया कि धान कैसे कुटाई होता है तो आप उसको कैसे भी इधर उधर करके एडजस्ट करके कूट ही लोगे। अगर आपको राइस मिल के बारे में और जानकारी चाहिए तो इस चैनल में जाके देख सकते हो, बहुत सारे जो राइस मिल में प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में बताया गया है। कमेंट करके पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे टाइट करते जाओगे जितना में धान करेक्ट निकले, चावल धान कुटाई हो जाएगा, चावल करेक्ट निकलने लगेगा, तब ये जो नीचे बोल्ट है उसको ऐसे ऐसे टाइट करके तो फुल ऐसे फिट कर दो तो फिर चलने लगेगा। और